दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंसर्ट टाइप के अंतर्गत ऑब्जेक्ट। एक कमांड हमारी थी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगी इंसर्ट में, तो हम इंसर्ट टाइप पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। तो ये एक ऑप्शन हमारा है, कमांड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर हमने क्लिक किया है और इससे होता क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं, वहाँ पर कार्य करेंगे और जो भी कार्य हम करेंगे उस कार्य को अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए हम जाते हैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इस पर हमने क्लिक कर दिया है देखिए, और हम पहुँच गए हैं एमएस एक्सेल के प्रोग्राम में। ये देखिए एक्सेल की सीट हमारे सामने ओपन हो गई है। और यहाँ से दोस्तों, ये जो हमारे पॉइंट्स दिखाई पड़ते हैं, इनसे हम इस सीट को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी जैसे आप थोड़ी बड़ी करना चाहते हैं या छोटी करना चाहते हैं, तो एक्सेल को आप यहाँ से इन पॉइंट के द्वारा उसको आप ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम कुछ भी काम करेंगे, यानी इस समय हम एक्सेल की वर्कशीट पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों नेम, अगले कॉलम में हमने लिख दिया यहाँ पर एड्रेस शॉर्ट में लिख दिया है, और नेक्स्ट कॉलम में लिख दिया यहाँ पर कोड नंबर टाइप कर दिया है। इसके बाद अगले कॉलम में हमने लिख दिया फ्रेंड्स मोबाइल नंबर। तो कुछ इस तरह हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब ये इतना हमने टाइप किया और यहाँ से देखिए, हम सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं। जैसे यहाँ बॉर्डर लगाया तो कुछ इस तरह ये बॉर्डर लग गया। अब ये छोटा सा काम हमने एक्सेल की वर्कशीट पे किया है, इस काम को हमको वर्ड पे ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा इतना पोर्शन है वो है एक्सेल का, जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रिड लाइन से ढका हुआ या ग्रिड लाइन से घिरा हुआ। तो ये है आपका एक्सेल का पेज। और जैसे आप यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, सिर्फ एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए, एक्सेल पे जो हमने काम किया था वो पूरा पूरा काम हमारा एमएस वर्ड पे देखिए ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इस तरह ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई चेंजिंग करना है, कुछ भी आपको सही करना है, या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको, इसी सीट पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप फिर एक्सेल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कुछ कोड नंबर ऐसे ही डाल दिया, कुछ नंबर डाल दिया यहाँ पर कोई एड्रेस डाल दिया है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम कोई नेम एक टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक नेम टाइप कर दिया कुछ इस तरह। अब ये देखिए, थोड़ा सा हमने चेंजिंग की है। अब इसके बाद हम फिर अलग क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये एक्सेल से बन करके एमएस वर्ड में आ गया है। तो एक काम तो ये होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा कि आप किसी प्रोग्राम में जा सकते हैं और काम करके उस प्रोग्राम का जो भी काम करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। और इसको हम सिंपली यहाँ से करते हैं डिलीट। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट से और क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो देखिए हम ऑब्जेक्ट पे गए हैं और यहाँ पर एक कमांड्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंट से एक ऑप्शन हमारा होता है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा तो आप किसी भी प्रोग्राम पे काम करके उस डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट से और हम क्या कर सकते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ गया हमारे पास, और यहाँ पर देखिए लिखा है क्रिएट फ्रॉम फाइल, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए ब्राउज बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी आपकी फाइलें बनी हुई पहले से ऑलरेडी, उन फाइलों में आप जा सकते हैं। जैसे कि मान चलिए ये हमारी एक फाइल है आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन के नाम से बनी हुई है, इसको हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट लिंक लगा सकते हैं, लिंक टू फाइल, इसको अगर आप क्लिक करके ओके करेंगे तो वो डायरेक्ट फाइल आपकी डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर होता है डिस्प्ले एज आइकन, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो उसका एक आइकन बन के आ जाएगा, ओके कर दीजिए। अब जैसे देखिए हमने ओके किया है तो यहाँ पर कुछ आइकन उसका देखिए इस तरह का बन के आया है। तो फ्रेंड्स, जैसे इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली उसी फाइल में पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये बनाई गई है। तो देखते हैं, इस पर हम दो बार क्लिक कर देते हैं, लेफ्ट बटन आपको कंटिन्यू दो बार क्लिक करना है कुछ इस तरह। जैसे क्लिक किया दोस्तों, तो देखिए ये फाइल हमारी
यहाँ बनाई गई थी, यानी उस फाइल पे हम डायरेक्टली देखिए पहुँच गए, ये होता है उसके आइकन के द्वारा। तो ऑब्जेक्ट से ये भी आप काम कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं फ्रेंड्स, और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। तो ये काम होता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा आप किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं और वहाँ से काम करके उस प्रोग्राम के में जो भी काम करेंगे अपनी फाइल में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक ले फ्रेंड्स जय हिंद।